बंटी खा लो तुम। बंटी लो लो लो, दाल भी खाएगा। स्ट्रॉन्ग बंटी, गुड बॉय। येलो कलर तुम्हारा फेवरेट है। बोल तो सकता नहीं है, लेकिन अपने खिलौनों से ही अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देता है। इन्हीं खिलौनों से अलग अलग कैरेक्टर बनाते रहता है। बहुत होशियार है हमारा बंटी। हेलो बंटी, बंटी बंटी तुम घबराओ नहीं। हाँ मासी आ रही है बंटी। ले बेटा, अब तेरा कातिल भी मिल गया। सर देखिए सर, कैसे ये औरत मेरे घर से मेरे बेटे को लेकर जा रही है। सर सर पहले भी मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश कर चुकी है ये, और इसीलिए मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। सर आप सर खुद देखिए अपनी आंखों से। सर अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना सर, तो यही थाने के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे, बता रहे हैं हम। देखो तुम एक काम करो, शर्मा के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करो, और ये सीसीटीवी की जो फुटेज है इसे भी सबमिट कर दे। जी चिंता मत करो, बंटी को कुछ भी नहीं होगा, जाओ। जी थैंक यू। बंटी की जान को खतरा है सर, आप समझते क्यों नहीं? ये सब उसकी चाल है सर। उसने पहले अपने विवेक को मार दिया, और फिर अब बंटी सर, क्योंकि बंटी ने सब कुछ देख लिया। आप प्लीज समझिए सर। गुड़िया जी, आप दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा, लेकिन प्रताप ने सबूत भी दे दिया है कि आप ही उसके बेटे को लेकर गई। आप उसके बेटे को लेकर तो गई है कहीं, मगर कहाँ रखा है? सर हम बंटी को लेके उसके घर से निकले तो थे, पर जब होश आया तो बंटी उधर नहीं था, और हम सीधा आपके पास आ गए। सर सर हमें अपनी चिंता नहीं है सर, सिर्फ बंटी की चिंता है। आप प्लीज समझिए सर, प्लीज बंटी की जान को बहुत खतरा है सर। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। आई लाइक इट। ओह गॉड, जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है।
पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।